भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाएं। आज आपको बताएंगे एक तरह का नया पाउडर वितरित होने वाला है जिसका नाम है मोरिंगा पाउडर। इसके बारे में निदेशालय से आदेश जारी हो चुका है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। पोषण युक्त यह पाउडर बताया जा रहा है, साथ ही साथ और भी तमाम बड़ी खबरें सरकारी आदेश इस वीडियो में लगे हैं, तो हर एक खबर को ध्यान पूर्वक सुन लेना कहां से कौन सी बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश वाली खबर की। आंगनबाड़ी बहनों को जो स्मार्टफोन इस समय बांटे गए हैं सैमसंग गैलेक्सी M02, उसको देने से पहले सरकार किस तरीके से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहा है, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली बार भी सरकार ने जिस तरह से बहनों से करवा लिया था, अंगूठा लगवा लिया था, जिसमें लिखा था खो जाए चोरी हो जाए उन सब दशा में आंगनबाड़ी बहनें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगी, तो देखते हैं इस बार सरकार ने क्या किया है। खबर को भेजा है सुमन यादव बहन, गोरखपुर से आती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश से यह फोन सहमति का एक पत्र उनको प्राप्त करवाया जाता है। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही बहनों को फोन दिए जाते हैं। देखिएगा जिले का नाम और फोन सहमति पत्र, परियोजना का नाम का कालम है, सेक्टर का नाम आंगनबाड़ी जो है सेक्टर का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का फोन नंबर और जो है IMEY वाला जो नंबर होता है IMEI और वो एक और दो इस तरह से, साथ ही नीचे रहा मेन पॉइंट जो घोषणा करनी होती है, लिखा है मैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम यहां पर भरा जाएगा जो है पोषण अभियान के अंतर्गत शासकीय कार्य के उपयोग के लिए सैमसंग गैलेक्सी M02 मोबाइल फोन प्राप्त कर रही हूं, मोबाइल का उपयोग सिर्फ मेरे द्वारा शासकीय कार्य हेतु किया जाएगा, मोबाइल में किसी भी प्रकार की टूट फूट खराबी चोरी एवं खोने की दशा में मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगी। बताओ अगर चोरी हो जाए खो जाए टूट फूट जाए तो व्यक्तिगत रूप से वो बहन जिम्मेदार होंगी, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर कोई चुरा ले तो भुगतना किसको पड़े, आंगनबाड़ी वर्कर को, और फोन ऐसा जो बहन अपने काम में भी नहीं ले सकती, यहां तक कि इसमें व्हाट्सएप तक जो है नहीं है और गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन भी आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ये एक बेकार तरीके का डब्बा फोन आंगनबाड़ी बहनों को देकर के एक खतरे की घंटी जैसा उनके गले में बांधा जा रहा है। इसमें लिखा है अगर मुझे स्थानांतरण, सेवानिवृत्त, सेवा से त्याग पत्र, चयन मुक्त या किसी अन्य कारण से उक्त कार्यस्थल से अन्यत्र जाना पड़ता है तो मोबाइल फोन को समस्त एक्सेसरी जो भी डिब्बे में भर करके आएगा, जो जो मिलेगा चार्जर वार्जर जो भी होगा उस सबके साथ में लिखा है सहायक उपकरण जो भी उसके साथ में मोबाइल के दिए जा रहे हैं उसके साथ विभाग को जमा करा दूंगी। अगर मेरे द्वारा मोबाइल जमा नहीं किया जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है तो मैं विभाग को मेरे वेतन या बैंक खाते से मोबाइल की कीमत की समतुल्य राशि वसूल करने के लिए अधिकार प्रदान करती हूं। बताओ कितना घटिया तरीके से लिख करके ऐसे उन गरीब लाचार वर्करों पर यह थोपा जा रहा है जो कि इस कदर है भी नहीं बहने। अब सरकार दूसरी तरफ नारी सम्मान नारी सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीटती है और इधर सरकार का आईना आप इस साइड में देख रहे हो। 1500 प्रोत्साहन में भी आपने देखा दो दो शर्तें लगी हैं और 2.5-3 साल पहले बढ़ाया हुआ 1500 प्रोत्साहन आज तक किसी के हाथ पर नहीं लिखा नहीं रखा गया, नई मानदेय बढ़ोतरी का झांसा लॉलीपॉप दिया जा रहा और इस तरह से मोबाइल फोन जो बांटे गए हैं उनमें भी अपना व्यक्तिगत काम नहीं ले सकते, साथ ही साथ मोबाइल में रिचार्ज का पैसा गवर्नमेंट देता नहीं है, देने से पहले ही जो है सब साइन मोहर बिल वाउचर मांगता है और रहा ये खुचा ये फोन जो कि डिब्बा दिया गया और उसमें भी आप देख रहे हो चोरी हो जाए टूट फूट जाए किसी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आंगनबाड़ी वर्कर की होगी, चाहे कोई भी खराबी हो टूट फूट हो चोरी हो जाए इसमें सब में जो है व्यक्तिगत रूप से आंगनबाड़ी वर्कर जिम्मेदार होंगी। प्राप्त करने की तिथि यहां पर दे दी गई है, ये सब आप देख लीजिएगा, पर्यवेक्षक का नाम हस्ताक्षर आंगनबाड़ी का हस्ताक्षर इस तरह से। अब बताओ इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप सब क्या समझते हैं इस बिंदु पर, आप सब कमेंट में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देना, आपसे हमारी बहुत उम्मीदें हैं। अब इसका विरोध भी होना चाहिए। बाकी देखिए सुमित्रा देवी बहन है, अगली खबर पर आ चुके हैं। सुमित्रा देवी बहन प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से एक लेटर जारी हुआ
हुआ है। यहां पर आपको बताना चाहेंगे टीकाकरण वाले देखो कार्य हैं, कोविड टीकाकरण वाले, इसमें कुछ बातें कही गई हैं। से पहले हम मेन पॉइंट पर आते हैं। लिखा है दिनांक 16 जून 2021 से 30 सितंबर 2021 तक बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 के अनुसार ही बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एवं पुरुष तथा आशा कार्यकर्ता इनको क्रमशः 1500 रुपए महीना और 1000 रुपए महीना, आशा को 1000 और जो उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहुउद्देशीय परियोजना वाले जो होंगे उनको 1500 रुपया महीना, ये जो है उनका आधारित जो प्रोत्साहन राशि है वो दिया जाएगा, इसके बारे में इसमें जिक्र था। लेकिन अभी तक बहनों को यह मिला नहीं है और इसीलिए वहां की जो बहन है वो कहती है कि अभी आगे के कोई काम ना करो। उन्होंने ये देखिए मुझे लेटर भेजा है, सुमित्रा देवी बहन प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि अब कल कोई भी कोविड 19 वैक्सीनेशन के काम करने के लिए बिल्कुल ना जाएं। हम लोग बहुत ही जल्दी आंदोलन करके ज्ञापन देंगे और राशि के लिए लिखेंगे महिला बाल विकास आयुक्त महोदय को और यहां पर पीएस महोदय को। तो बहन ने लिखा और कहा सुधांशु भैया इस मुद्दे को उठाना है। तो आप देख सकते हो क्योंकि हमारा विभाग और चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे बाल विकास विभाग हो दोनों सिर्फ काम लेना जानते हैं, काम कराने से जो है उनको जो है बिल्कुल भी हिचक नहीं होती, लेकिन पैसे वैसे देने में वो जरूर कोताही बरतते हैं। यहां पर भी आप देख रहे हो हर एक राज्य में यही स्थितियां बनी है, चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो चाहे बिहार हो चाहे कोई भी स्टेट उठा लो, हर जगह का आलम यही है। अब चलते हैं अगली खबर पर आते हैं और जैसा कि मैंने कहा था एक मोरिंगा पाउडर के बारे में आपको बताएंगे। खबर यहां पर जो आई है बिहार सरकार से जारी आदेश आपको दिखा रहे हैं, 30 सितंबर को निकला था, रविराज भाई ने भेजा था, निदेशक जी का लेटर है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी गया जिले के और जहानाबाद जिले के, इन दो जिलों में निदेशक महोदय ने यह लेटर भेजा है और कहा है कि पोषण मिशन के अंतर्गत मोरिंगा पाउडर प्रदान करने के संबंध में। तो अभी पूरे बिहार में नहीं कह सकते, बिहार में दो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी गया जिला और जहानाबाद जिला, इन दोनों जिला जो है प्रोग्राम पदाधिकारी को यह भेजा गया लेटर और कहा गया है कि जो है यहां पर राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अंतर्गत आईसीडीएस के लाभार्थियों को उच्च पोषण युक्त मोरिंगा पाउडर प्रदान करने हेतु प्रयोग के जो है रूप में यहां पर गया जिला और जहानाबाद जिला इनका जो है चयन किया गया है। इस कार्य हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं। तो ये अभी स्टार्टिंग है, अभी पूरे बिहार राज्य में ये मोरिंगा पाउडर वितरित नहीं किया जाएगा, अभी केवल दो जिलों में गया जिला जहानाबाद जिला, इसमें टेस्टिंग स्वरूप आप समझ सकते हो यहां पर प्रयोग के लिए ये दिया जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है आने वाले वक्त में पूरे बिहार में वितरित किया जाए या अदर अदर राज्यों में भी इसका जो है वितरण शुरू कर दिया जाए जैसा इसका जो यहां पर आउटपुट आएगा। अब बात करते हैं पहला पॉइंट, मोरिंगा पाउडर को आईसीडीएस के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों 3 से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक लड्डू अथवा अन्य खाद्य सामग्री में शामिल करके वितरित किया जाना है, इसके बारे में लिखा है। दूसरा है पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह के तहत मोरिंगा पाउडर को पोषण युक्त खाद्य पदार्थ के रूप में प्रति लाभार्थी बच्चे को 2.5 ग्राम जो है यहां पर सप्ताह में 2 दिन दिया जाना है, यानी 2.5 ग्राम मिलेगा सप्ताह में 2 दिन मिलेगा और इस सामग्री के क्रय का जो भुगतान है वो सीधे निदेशालय स्तर से किया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि उक्त के अनुसार मोरिंगा पाउडर को पौष्टिक लड्डू एवं अन्य क्रय सामग्री में शामिल करके वितरण कराना सुनिश्चित करें। ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये बिहार में भी पूरे बिहार के लिए नहीं है, बिहार के दो जिले गया और जहानाबाद के लिए है। यहां पर अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, पहले वितरण होगा, देखा जाएगा कैसा क्या सिस्टम सब चल रहा है, कुछ सुधार हो रहा है, अगर ये ठीक रहा तो हो सकता है पूरे बिहार में लागू हो और देखते देखते और भी राज्यों में वितरण हो जाए। अब बात करते हैं बिहार सरकार से एक और सरकारी आदेश की। 30 सितंबर को लेटर निकला निदेशक का और इन्होंने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो जहानाबाद के हैं उनको भेजा है और बाल विकास जो परियोजना जो पदाधिकारी हैं हुलासगंज वगैरह और जहानाबाद के इनको भेजा और कहा है कि उच्च जो है पोषण युक्त मोरिंगा पाउडर वितरण करने के संबंध में। तो जहानाबाद में भी जो है हुलासगंज और जहानाबाद इन दो जगह वितरण की गुंजाइश है। इसमें लिखा है कि मोरिंगा पाउडर के उपयोग का बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर प्रभाव संबंधी अध्ययन एवं मूल्यांकन के दृष्टिगत से जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के सभी जो है संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कुल संख्या 80 है उन पर 3 से 6 वर्ष के जो सभी
लाभार्थी बच्चे हैं उनको प्रतिदिन पौष्टिक लड्डू या अन्य खाद्य सामग्री में मोरिंगा पाउडर को शामिल करके वितरण करने का निर्णय लिया गया है। तो देखते हैं इसका प्रभाव कैसा आएगा। जैसा भी होगा, जो भी अन्य लेटर जारी होंगे वो सब भी आपको खबरों में हम लेकर के आएंगे। आगे चलते हैं, आप देख सकते हो ICDS वगैरह डायरेक्टरेट वगैरह पोषण अभियान की तरफ से ये एक जो है लेटर निकला है 3 से 6 वर्ष के जो लाभार्थी हैं उनके लिए, और ये आप देख सकते हो गया जिले के और ये जहानाबाद जिले के। टोटल यहां पर दिए गए हैं, परियोजनाओं के नाम भी हैं, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं उस हिसाब से यहां पर सब दे दिया गया है, और रिक्वायरमेंट वहां पर कितनी रहेगी मोरिंगा पाउडर की 2.50 ग्राम पर चाइल्ड के हिसाब से है, और 1 सप्ताह में 2 दिन दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो वही उसी के पूरी तालिका भर करके आई है। अब बात करते हैं अगले एक जो है प्रारूप की। सुबह मैंने लेटर दिखाया था आंगनबाड़ी केंद्रों के अतिक्रमण के संबंधित एक लेटर था, उसका प्रारूप ये रहा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के यहां हस्ताक्षर होंगे और उनके लिए ही ये लेटर है। क्रम संख्या का कालम, जिला का नाम, परियोजना का नाम, पंचायत का नाम, अतिक्रमित आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, वार्ड संख्या, अतिक्रमण का प्रकार यानी किस कारण से हुआ, कृत कार्रवाई और अभियुक्ति, इस तरह से कालम यहां पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं अगले मैटर पर। यह बहन है शशि प्यारी जो कि रायबरेली से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट वाली हमारी ये बहन है। इनके मन में यानी कुछ संदेह है IAS के बारे में जानते हैं। बहन ने लिखा, सुधांशु बेटा, सरकार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का पिछला बढ़ा हुआ मानदेय देने जा रही है, तो 2020 और 31 अगस्त तक जो रिटायर वर्कर हैं उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तो क्या उन्हें यह बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिलना चाहिए? देखो मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने यह नहीं कहा है कि वो पिछला जो है बकाया का एरियर सहित भुगतान करेंगे। निदेशालय से आए लेटर में तो यही था कि 1 सितंबर 2021 से प्रोत्साहन राशि लागू होती है नई 2 शर्तों के साथ में। यह कहीं नहीं है कि पिछला वाला का भुगतान होगा कि नहीं होगा, सरकारी आदेश नहीं है, और मुख्यमंत्री के कह देने से कुछ होता नहीं है क्योंकि उनके पास जुमलों की भरमार है। बाकी आप समझदार हैं, तो यहां पर उनका कहना है कि आप सदैव हम लोगों की सहायता करते आए हैं, तो आपसे हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि बढ़ा हुआ मानदेय हम लोगों को भी मिलना चाहिए। यह बात आप अपने चैनल से उठाने की कृपा करें। आपको हम सभी वर्कर आपको आशीष देते हैं कि दिन पर जो है दिन आपका चैनल उन्नति पर जो है करता रहे, और जो है सब हृदय से जीवन भर आभारी रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिएगा, चाहते तो बहुत कुछ है कि सब कुछ मिले, रिटायरमेंट पर पैकेज भी मिले, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी है जो देना ठीक नहीं समझती है, किसी को भी कुछ नहीं देती है, हमेशा छलावे और धोखे के अलावा। तो यहां पर देखते हैं आगे क्या होता है, अगर कुछ होता है तो बताएंगे, एरियर से भुगतान होगा तो वो भी बताएंगे, और जरूरत पड़ी तो उसके लिए आवाज भी उठाई जाएगी। रिटायरमेंट वाली बहनें, उन्होंने अगर पिछला एरियर का भुगतान होता है तो उनका भी हक है उस पैसे पर। बाकी देखिएगा, ममता मौर्य बहन बरेली से आती है और उन्होंने अपने वहां धरना प्रदर्शन किया है और धरने प्रदर्शन का वीडियो भेजा है। आपका वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहां पर धरने का वीडियो बहन देख सकती है अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं सत्यभामा मौर्य बहन जो कि आजमगढ़ से आती है, उन्होंने अपने वहां एक ये मुझे सूचना भेजी है अपने वहां से, जो कि लिखा है अतरौलिया आजमगढ़ बाल विकास परियोजना अधिकारी की आज्ञा से। लिखा है, समस्त आंगनबाड़ी बहने, कल दिनांक 1 अक्टूबर जो कि आज हो चुकी है, ये परसों वाला लेटर है, तो आज के दिन 0 से 5 वर्ष के बच्चों की सूची, वजन, लंबाई, ऊंचाई, ग्रेड सहित तथा सैम मैम बच्चों की सूची अलग से तैयार करके, साथ ही साथ गर्भवती धात्री, किशोरी, स्कूल ना जाने वाली, ये सब इनकी सूची तैयार करके कार्यालय में मध्याह्न 12 बजे के बाद कार्यालय में उपस्थित हों। साथ ही साथ दाल तेल वितरण की सूचना भी साथ ले आए। स्मार्टफोन भी प्राप्त होने पर आप लोगों को प्रदान किया जाएगा, यानी स्मार्टफोन भी प्राप्त होने पर आप लोगों को प्रदान किया जाएगा, परंतु आने से पहले संबंधित मुख्य सेविका से मोबाइल पर बात कर लें। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल एक्टिवेट होने पर संबंधित कार्यकर्ती को ही मोबाइल प्रदान किया जाएगा। उनका कहना है कि जो है मुख्य सेविका से मोबाइल पर बात कर लें, आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह, वो एक्टिवेट होने पर संबंधित कार्यकर्ती को ही मोबाइल प्रदान किया जाएगा, यानी किसी और को नहीं दिया जाएगा, आप ही को वहां वितरण होगा, और वैसे भी पैकेजिंग पर नाम वाम शायद लिख करके आते हैं ऊपर से। अब आगे देख सकते हो मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश बहन बलरामपुर से, उनका भी एक समस्या है, समस्या नहीं, उन्होंने कुछ राज की बात बताई है। इन्होंने कहा है कि भैया जी, जो रिचार्ज का पैसा आने वाला था उसके लिए 200 रुपया लिया गया है श्री दत्तगंज ब्लॉक वगैरह में, आंगनबाड़ी मिथिलेश कुमारी,
और यहाँ पर शायद कुछ लिखा हुआ है त्रिगुण, ये त्रिगुणापुत पता नहीं क्या लिखा, श्री दत्तगंज वगैरह ब्लॉक वगैरह इनका बलरामपुर में जिले में पड़ता है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, बाकी देख सकते हो जो भी है, मैं इस मैटर की पुष्टि नहीं करता क्योंकि काफी बार खबर दिखाने के बाद लोग क्या करते हैं, अपनी ही कही हुई बातों से पलट जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य दिखाना, बाकी ऑल इंडिया इन चीजों की पुष्टि नहीं करता है जो कि सरकारी आदेश स्वरूप नहीं है, केवल आवाज है। अब देख सकते हो अनुराधा बहन फतेहपुर से आती, उन्होंने कहा है कि नमस्ते भैया जी, फतेहपुर से अनुराधा आंगनबाड़ी, हमारे गांव में 30,000 रुपया लिया गया है समूह से पोषाहार के लिए। अब इसका मतलब बहुत से सवाल है, हो सकता है पोषाहार वाले जो प्लांट लग रहे हैं उससे लिया गया हो, और बाकी कोई तुक नहीं बनता है। तो जो भी है इस तरह से एक जानकारी और उन्होंने साझा की है। बाकी देख सकते हो एक मैटर और आया है, ज्ञानमाल सिंह जौनपुर से आती है, इन्होंने अपने वहां पर एक विभाग द्वारा भेजे गए मैसेज को फॉरवर्ड किया है और उसमें लिखा है कि सभी लोग 30 सितंबर को 11 बजे ब्लॉक सभागार में पोषण अभियान के दौरान जो है स्टॉल लगाना है, आपने साथ सभी लोग फूल फल ये सब कुछ जो है लेकर के आए, सामग्री बनाकर के सब लाएं, आपसे संभव हो सके जिनसे जो, और खाली हाथ किसी को नहीं आना है, सबकी उपस्थिति भी अनिवार्य है, जो नहीं आएगा पूरे महीने का मानदेय उसका रोक दिया जाएगा, इस तरह से लेटर उनको भेजा गया है। अब बात करते हैं यहां पर नीलम श्री जो श्रीवास्तव में बाराबंकी से आती है, उन्होंने अपने वहां पर एक अखबार की कटिंग जो है मुझको भेजी है, जाति भाषा पूछे बिना अपराधियों पर हुई है कार्रवाई, ये बीजेपी सरकार में योगी सरकार के अपने बोल है जो उत्तर प्रदेश में अखबारों में बहुत ही तेजी के साथ में छप रहे हैं। सरकार कहती इतना है लेकिन हमारे अखबार पूरा सपोर्ट सरकार का करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आर्टिकल छापते हैं, कभी भी सरकारों के जुमलों पर एक शब्द भी नहीं छपते हैं, किसी भी के साथ में कोई भी वादा अगर पार्टी ने किया हो, अगर पूरा ना किया हो तो उसके बारे में इत्तु सा भी एक शब्द भी अखबार वाले नहीं छापते हैं। अब यहां पर बाकी इसमें क्या हम बताएं, कुछ भी बताने लायक है ही नहीं। अब बात करते हैं अगली खबर पर, आशा दीक्षित बहन हाथरस से आती है, मानदेय वृद्धि की घोषणा कर प्रोत्साहन राशि का शासनादेश जारी करना एक बड़ा धोखा है, बहन ने ये बातें कही है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष हैं आशा दीक्षित बहन, उन्होंने सरकार पर ये आरोप लगाए हैं जो कि पूर्णतया सत्य है और सरकार ने छलावा ही किया है, सम्मानजनक का सपना दिखा करके सत्ता में आए, सुख भोगा और जाने की कगार पर है, तब भी जो है जुमलों की भरमार दे रहे हैं, नया मानदेय बढ़ोतरी किया नहीं है, करेंगे ये कोई तुक वाली बात नहीं है, आज तक जो किया था वो तो दिया नहीं है, तो आगे आप करोगे तो दोगे कि नहीं ये भी कोई कंफर्म वाली बात नहीं है, जिनको रिटायर किया उनको कुछ दिया नहीं है, मोबाइल फोन जो दे रहे हो उसमें भी वो अपना कोई पर्सनल यूज नहीं कर सकती है, देने से पहले शपथ पत्र करवा लेते हो, अगर टूट जाए, चोरी हो जाए, खो जाए, कुछ भी हो जाए तो पैसे आंगनबाड़ी के खाते से हम वसूल लेंगे, ऐसे तरह से आप शपथ पत्र पर सब करवा रहे हो, तो ये सब धोखाधड़ी छलावा है। यानी वो कहते हैं ना हाथी के दांत दो तरह के होते हैं, खाने वाले और दिखाने वाले। और आगे देख सकते हो संगीता देवी बहन बहराइच से आती है, उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी, और भी बहने हैं, ये गीता देवी आजमगढ़ से आती है और ये उषा देवी हमीरपुर से आती है। देखिए आज वैक्सीन हमारे लगी है दूसरी डोज, तो हम सोचते हैं कि आज का वीडियो थोड़ा बस यहीं तक रखेंगे, आज कुछ बहनों की फोटो है उनको दिखा देते हैं और सुबह फिर हम आपको बढ़िया से बढ़िया खबरें और बहुत सारे सरकारी आदेश सुबह के वीडियो में हम फिर लाएंगे। अभी कुछ बहनों की फोटो दिखा रहे हैं, इनको देख लीजिएगा, पूरा वीडियो डेली देखा करिए। माधुरी देवी बहन बलरामपुर से आती है और इनके अलावा ये प्रतिभा रानी जो कि मुरादाबाद से आती है, आप देख सकते हो आंगनबाड़ी केंद्र के सामने ये कचड़े की भरमार है, सरकार स्वच्छ भारत का सपना देख रही है और ये आंगनबाड़ी के जो नौनिहाल बच्चे आते हैं, तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर गतिविधियां होती हैं, कोविड 19 वैक्सीनेशन के काम होते हैं, तरह तरह के और भी काम होते हैं, और उसी केंद्र के सामने आप देखेगा कितना सारा कचड़ा है, ये नगर पालिका वाले हों या साफ सफाई वाले हों, अगर गांव का मैटर है तो गांव वाले प्रधान इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। एक आंगनबाड़ी केंद्र के सामने आप देख सकते हो पूरा, उसको कहते हैं ना गांव की भाषा में घूरा बना दिया है, जहां पर कचड़े कचड़ा का ढेर डाल दिया जाता है, एकदम कचड़ा आप देख सकते हो कितना ज्यादा पड़ा हुआ है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पर व्यवस्थाएं कैसी चल रही है। राजकुमारी बहन सोनभद्र से आती है और इनके अलावा ये अनीता कुमारी कासगंज से आती है और ये अंजलि देवी जो है देवरिया से आती है, संतोष बहन बाराबंकी से आती है और ये सुमन बहन चित्रकूट से आती है, इनके अलावा उषा बहन गाजीपुर से आती है और ये निर्मला बहन अंबेडकर नगर से आती है, साथ ही कुंदन भाई सहरसा से है और उन्होंने अपने वहां से कोविड टीकाकरण महाअभियान को लेकर के ये एक थीम भेजी है, 2 अक्टूबर 2021 यानी कल 2 अक्टूबर को वहां पर ये सब होने वाला है स्वास्थ्य जो है विभाग बिहार सरकार की तरफ से। तो ये आप देख सकते हो ये दूसरी डोज लगने वाली, जिनको दूसरी लगनी है उनको दूसरी लगेगी, कुंदन भाई है सहरसा वगैरह में होने वाला है, बाकी लेटर भी भेजा है, इस लेटर को हम कल सुबह ला रहे हैं। बाकी देख सकते हो मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती हैं और ये सरिता संत कबीर नगर से आती हैं, साथ ही साथ ये दुर्गावती जो कि सुल्तानपुर से आती हैं और ये सुधा जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं, ये पुष्पा जो कि बक्सर से आती हैं और इनके अलावा ये ज्ञानमाल जो कि जौनपुर से आती हैं, साथ ही ये हैं सुनीता जो कि सोनभद्र से आती हैं और ये ममता जो कि संबल से आती हैं, इनके अलावा हेमलता बहन मैनपुरी से,
आती हैं और ये अजय कुमार भाई सुपौल से आते हैं। साथ ही ये हैं मनीषा जो कि बुलंदशहर से आती हैं, मनीष बहन है जो कि बुलंदशहर से आती हैं, आयशा खातून बहन आजमगढ़ से आती हैं और इनके अलावा ये शीला देवी झांसी से आती हैं। साथ ही ये हैं कुसुम जो कि देवरिया से आती हैं और इनके अलावा ये भारती जो कि मुजफ्फरनगर से आती हैं। साथ ही ये विद्यावती शाहजहांपुर से आती हैं और ये हैं उषा जो कि अयोध्या से आती हैं। तो आज शाम का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थोड़ा बुखार जैसा फीलिंग हो रहा है दूसरे डोज में, हो सकता है रात तक बुखार आ भी जाए, पिछली बार भी आ गया था लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहा था, रात में ही आया था, दिन में ठीक हो गए थे। तो ये भी हो सकता है कि शाम को आए, शाम को ही ठीक हो जाए और टैबलेट वगैरह भी ले लेंगे शाम को लेटते समय। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि 6-7-8 घंटे टैबलेट नहीं लेंगे क्योंकि वैक्सीन लगी है ताकि कोई रिएक्शन ना हो शरीर में। ज़्यादातर क्या होता है अगर दवाएँ ववाएँ खा लो तो रिएक्शन भी हो जाता है कभी कभी, तो हमने सोचा है कि पहले अपना वैक्सीन जो भी असर उसको दिखाना होगा वो बॉडी में दिखाएगी, उसके बाद शाम को अगर बुखार चढ़ेगा लगेगा बुखार आ रहा है तो